नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रेखा चौकसी आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आपने कहीं बाहर का कुछ खाना खाया है, कहीं शादी ब्याह पार्टी रेस्टोरेंट या फिर घर का ही बना कुछ बासी भोजन खाया है, और ऐसा खाना खाने के बाद चाहे 2 घंटे बाद या फिर 1-2 दिन के बाद अगर आपको पेट दर्द शुरू हो गया है और साथ साथ में डायरिया और वॉमिटिंग भी शुरू हो गई है, तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से बैक्टीरिया वायरस से संक्रमित हुए हैं, इसके आधार पर आपको माइल्ड या सीवियर फूड पॉइजनिंग हो सकता है। अगर आपको माइल्ड फूड पॉइजनिंग है तो इसके लिए आपको कोई भी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, बस घर पर ही खाने पीने में कुछ सावधानियां बरतने से ही वो आपका ठीक हो जाएगा। इसके लिए जैसे ही आपको सिम्टम्स की शुरुआत होती है, आपको कुक फूड यानी कि पका हुआ भोजन बिल्कुल नहीं खाना है। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लीजिए, जैसे कि नींबू का शरबत है, ऑरेंज पाइनएप्पल का जूस है, नारियल पानी है। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लीजिए। फ्रूट में आप एप्पल या अनार खाइए, और साथ में अगर बहुत ही अगर आपको भूख लग रही है, भूख बर्दाश्त नहीं होती है, तो ही आप दही के साथ खिचड़ी या चावल खाएं। इसके अलावा कुछ भी मत खाएं। ऐसा करने से आपको 1 या 2 दिन में घर पर ही ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बहुत सीवियर फूड पॉइजनिंग हुआ है, मतलब कि डायरिया और वॉमिटिंग बहुत ही सीवियर हो रहा है, तो आपको डिहाइड्रेशन होने की भी संभावना है और हो सकता है कि आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़े। तो आज मैं आपको ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताती हूँ जिससे कि आपका डिहाइड्रेशन ना बढ़े, और अगर आपको डिहाइड्रेशन हुआ भी है तो भी वो जल्दी ठीक हो जाए और आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों, इसके लिए आर्सेनिक का बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आर्सेनिक का कोई भी पेशेंट ले सकता है जिसे बाहर का कुछ खाना खाने के बाद डायरिया और वॉमिटिंग शुरू हो गए। आर्सेनिक का आपको 200 पोटेंसी में दिन में 2 या 3 डोज लेने हैं। अगर उससे फायदा लगे शुरू शुरू में लेकिन कम्प्लीटली ठीक ना हो तो बाद में आप आर्सेनिक का 1 mg भी ले सकते हो। ऐसा करने से आपको 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि आपको फ्रीक्वेंट अनइफेक्चुअल अर्जिंग फॉर स्टूल है, मतलब कि आपको बार बार टॉयलेट जाने की इच्छा होती है लेकिन आप जब भी जाते हो तो बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में स्टूल पास होता है या कभी कभी बिल्कुल नहीं होता है, अगर ऐसा सिम्टम्स है तो आपको नक्सोमिका 200 लेनी है। नक्सोमिका 200 आप दिन में 2 या 3 बार 5-5 गोली ले सकते हो, और ज़रूरत पड़े तो उसको भी आप 1 mg पोटेंसी में बाद में ले सकते हो। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों पोडोफाइलम। अगर आपको पेनलेस प्रोफ्यूज और वॉटरी डायरिया है, मतलब कि बिल्कुल ही दर्द नहीं हो रहा है टॉयलेट करते वक्त, बहुत ही प्रोफ्यूज मतलब कि बहुत ही ज़्यादा क्वान्टिटी में हो रहा है, और वॉटरी मतलब कि बहुत पतला पानी जैसा स्टूल पास हो रहा है, और कभी कभी वो इनवॉलंटरी भी होता है, मतलब कि टॉयलेट तक जाते जाते बीच में ही स्टूल पास हो जाता है। बच्चों को अगर डायपर पहनाया है तो डायपर में से एकदम पतला पानी जैसा लीक होकर निकलता है, इतना पतला होता है। और जब वॉमिटिंग होती है तो कॉलिक की पेन के साथ वॉमिटिंग होती है, मतलब कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसे सिम्टम्स होते हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स है तो आपको पोडोफाइलम 30 या 200 पोटेंसी में दिन में 2 या 3 बार लेनी है। इससे आपका डायरिया वॉमिटिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन भी नहीं है, सिर्फ डायरिया हो रहा है, तो इसके लिए मैं आपको एक होम रेमेडी बता रही हूँ। आपको 1 चम्मच खसखस यानी कि पप्पी सीड लेने हैं, और उसमें 1 जायफल यानी कि नटमेग मिला देना है। दोनों को पीसकर उसकी पेस्ट बना दीजिए, उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला दीजिए, और फिर इसमें से दिन में से थोड़ा थोड़ा करके दिन में 3-4 बार इससे खाइए। और साथ में मैंने आपको खाने के लिए जो परहेज बताया है वो परहेज कीजिए, तो इसी से ही आपका डायरिया ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सबको उसका बेनिफिट मिले। थैंक यू।